बिहार में जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट में आज यानी के बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी के खंडपीठ में हो रही। इस मामले में पिछले दो दिनों से लगातार सुनवाई चल रही। बता दें आपको कि आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले इस मामले में सुनवाई को लेकर के याचिकाकर्ताओं की ओर से चार अहम मुद्दे दर्ज कराए गए थे, जिसमें जनगणना के दौरान जातियों का नाम बदलना, उपजातियों को जाति के रूप में दिखाना, किन्नर को जाति बताना, सिखों की जाति नहीं निर्धारित करना है। फिलहाल ये मामले अनछुए हैं, फिलहाल कोर्ट सरकार की दलील सुन रही। दरअसल आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जाति आधारित गणना पर 4 मई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए ये कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट में 3-4 जुलाई को सुनवाई की गई और आज यानी के 5 जुलाई को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। यह असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। सिर्फ केंद्र सरकार ही इस तरह का सर्वेक्षण कराने का अधिकार रखती है। आपको बताते चले कि बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 4 मई को पटना हाईकोर्ट से इस पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने इस मामले में सुनवाई हुई। बेंच ने कहा था कि इस बात की जाँच करनी होगी कि सर्वेक्षण की आड़ में नीतीश सरकार जनगणना तो नहीं करा रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के पास वापस भेज दिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।